गाइस आईफोन 8 हमारे बीच बहुत जल्दी मार्केट के अंदर आने वाला है। सो गाइस मैंने पहले भी आईफोन 8 के रूमर्स के बारे में वीडियो बनाई थी और जिसके बारे में उस वीडियो में आपको बताया था कि शायद आईफोन 8 के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर टच आईडी नहीं होगी। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा हमारे पास रूमर आया कि वो बता रहे हैं कि आईफोन 8 के अंदर फाइनली टच आईडी होगी और उनका जो ट्रेडमार्क था टच आईडी के अंदर वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। सो गाइस अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में जो इमेज हो गई होगी पॉप अप एंड गाइस इस इमेज के अंदर आप जैसे देख सकते हैं जो टच आईडी है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। सो गाइस जो डिजाइन वाइज अगर देखा जाए जो पीछे की तरफ से जो वर्टिकल कैमरास थे मेरे पहले से नहीं पसंद आ रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने लाइक एप्पल के लोगों के नीचे टच आईडी प्लेस करी है आई गेस कि वो भी ज़्यादा एक अच्छा खास डिज़ाइन लग नहीं रहा है। लेकिन गाइस अभी तो ये राउंड अप र्यूमर्स हैं, ये सारे प्रोटोटाइप हैं, अभी कुछ मैं श्योर नहीं हो सकते कि क्या पता ऐसा डिज़ाइन बिल्कुल भी ना हो और क्या पता बिल्कुल सेम ऐसा डिज़ाइन हो। सो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। एंड गाइस अब मैं अगर बात करूँ अगर जो टच आईडी जो है पीछे को शिफ्ट कर दी उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई कि लाइक वो आगे लाइक प्लेस हो जाए। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की फोटो भी पॉप अप हो गई, जो सामने की तरफ आपको जो डिस्प्ले टू बॉडी रेशियो मिलता है फोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं सामने की तरफ में आपको बिल्कुल भी लाइक स्पेस नहीं मिलता आपका टच आईडी का प्लेस करने के लिए। एंड अगर गाइस उसी तरह आप मेरे से बात करें कि इन्होंने इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर टच आईडी क्यों लगाई, सो गाइस वो टेक्नोलॉजी जो थी वो मुझे पता है कि सैमसंग एंड एप्पल कैन डू दैट टेक्नोलॉजी, बट गाइस मुझे नहीं पता वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते थे बट अभी वो भी एक प्रोटोटाइप बेस में ही है, अभी तक उसका भी कोई फाइनल रिलीज नहीं हुआ है कि आपकी एक टच सेंसिटिव जो आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपके लाइक डिस्प्ले के थ्रू होके जो डिस्प्ले के अंडरनीथ जो सेंसर है उसके ऊपर जाके प्लेस हो और आपको जो फ़ोन है अनलॉक हो जाए। सो गाइस वो जो मेथड होगा वो थोड़ा जब पहली बार चीज़ आती है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से अगर वो इस बार आता तो उसके अंदर लैग होता और जो आपका फ़ोन अनलॉक होने में बहुत टाइम लगाता और फिर दोबारा से वही होता कि आपको फ़ोन जो था बहुत हाइप हो जाता, लेकिन उसके बाद जब पता चलता कि फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज़्यादा स्लो है सो मार्केट वुड बी लाइक। मेरे को लगता है कि एप्पल ने जो अपना टच आईडी का ही अपना ट्रेडमार्क वापस बनाए रखा है और उन्होंने शिफ्ट कर दिया बैक की साइड। सो गाइस मेरे हिसाब से जो बैक की साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसी साइड देखा जाए कि गैलेक्सी S8 के अंदर लोग ने क्यों उसको इतना क्रिटिसाइज़ करा, सो इसका मेन रीज़न था कि वो आपका लाइक बिल्कुल कैमरे के साथ था और अगर आप जैसे उसे टच लाइक फिंगरप्रिंट लेते थे तो जो आपका जो कैमरा था के स्मजेस आ जाते थे अगर फिंगरप्रिंट हल्का सा लग जाता था, तो इसलिए गैलेक्सी S8 का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया। लेकिन अगर उस टाइप देखा जाए तो आईफोन 8 के अंदर आप देख सकते हैं जो लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नीचे की साइड आ रहा है लोगों के नीचे, तो मेरे को डिज़ाइन इतना कोई खास लग नहीं रहा है फ़ोन का। लेकिन अगर उस टाइप मैं एक और इमेज दिखाऊं आपको इस साइड जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज़ हुई है जो डिस्प्ले पैनल निकले हैं वेने जेस्किन के हिसाब से, और वेने जेस्किन ने जो ये अभी तक इमेजेस निकाली हैं इनके मुकाबले जो देखा जा रहा है कि जो फ़ोन है वो लाइक सामने से तो बिल्कुल सेम ऐसा होने वाला, लेकिन उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि उसका भी कोई श्योरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सारे के सारे जितने भी र्यूमर्स हैं सारे फ्लोट कर रहे हैं। जो आईफोन 8 है बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है इस टाइम और अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि आईफोन कैसा होने वाला है, और मेरे हिसाब से सेप्टेम्बर में जो आईफोन रिलीज़ होगा उसी के बाद हम देखने को मिल जाएगा, वो तो सबको पता है कि उसके बाद देख। लेकिन गाइस अभी तो इतना कोई खास हमारे को पता नहीं चला डिज़ाइन फ़ोन के बारे में, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार फ़ोन के अंदर आएगा। डिस्प्ले के साइज़ जो है आपको मैंने दिखाया कि डिस्प्ले की जो र्यूमर है वो इस टाइम पॉपअप हुए हैं नए बिल्कुल, और हार्डवेयर सेक्शन के वाइज अभी भी है लाइक आपको क्या कितनी रैम मिलेगी कितने लाइक कोर्स मिलेंगे क्या 8/11 कौन सी चिप होगी वो अभी कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन वाइज अभी फ़ोन देखा जा रहा है। सो अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबा दें एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।